नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द पीसी सॉल्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज हम आपको HP के 1200W प्रिंटर के प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। इसमें वाइट लाइन क्यों आती है और इसका क्या रीज़न होता है। तो हमने जैसे ही कमांड दी है तो इसका प्रिंट देखते हैं कैसा निकल के आता है। ये इसका प्रिंट निकला है, ये लाइन आ रही है वाइट लाइन, दोनों साइड में वाइट लाइन आ रही है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, कृपया वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें। ये प्रिंट में इसके आया है तो इसका सिंपल सा 5 मिनट में आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो। तो आपको कहीं ले जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हम टॉप कवर को खोलते हैं। टॉप कवर खोलने के बाद में ये इसका ढक्कन है, ढक्कन को खोल लो और ये इसकी टोनर कार्ट्रेज होती है, इसको आराम से खींच के बाहर निकाल लो। ये हमने बाहर निकाल ली। ये इसकी 104 नंबर 104A टोनर है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये 3 स्क्रू लेफ्ट साइड में और 3 स्क्रू राइट साइड में दिए हुए हैं। इन स्क्रू को हम खोल लेते हैं। ये देखो, हमने दोनों साइड के स्क्रू खोल के और इनके जो कवर था उनको उतार दिया है। इसको आराम से रखना है उल्टी साइड, उल्टी साइड इसको आराम से रखेंगे और धीरे से इस टोनर को हम उतार लेते हैं। ये हमने उतार लिया, थोड़ा आराम से उतारें क्योंकि इसके नीचे दोनों साइड में इंक के लिए जगह दी हुई है तो इंक निकल सकती है। ये इसकी डॉक्टर ब्लेड होती है तो डॉक्टर ब्लेड पे जो इसकी इंक है उसकी मॉइस्चर की वजह से उसमें ब्लेड के जो बाहरी सतह है उस पर जम जाती है। तो हम दोनों साइड के ये स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद में हम ब्लेड को आराम से उतारेंगे और उतारने के बाद इसको स्क्रू ड्राइव या कपड़े से तो ये अच्छी तरह साफ नहीं होगी, स्क्रू ड्राइव से या कोई नुकीली चीज़ से आप इसके ब्लेड को आगे से साफ कर दो। इसको पूरी ब्लेड को हम साफ कर देते हैं। ये यहाँ से हमने साफ कर दिया, ये अपनी ब्लेड साफ हो गई और इसको हाथ से या कपड़े से साफ करके दोबारा ज्यों की त्यों लगा दो। तो हम इसको दोबारा लगा देते हैं। ये हम इसके स्क्रू से इसको वापस यूं का यूं पैक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको नई नई वीडियो मिलती रहती हैं तो आप कृपया कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी मैग्नेट को हम घुमा के देख लेते हैं कि इसमें वो लाइन दोबारा आ रही है कि नहीं, तो मैग्नेट से ही पता चल जाता है कि इस पे लाइन है कि नहीं। तो इसको हमने पैक कर दिया और इसको थोड़ा साफ कर ले, इलाके इसमें जो इंक डली हुई है उसको भी, जो निकली थी उसको हम साफ करके वापस लगा देते हैं और देखते हैं। हमने कमांड दे दी है और देखते हैं कैसा प्रिंट निकल के आता है। तो पहले जो प्रिंट था वो एकदम लाइट प्रिंट आ रहा था, अब देखो इसमें फोटोकॉपी में कितना फ़र्क आ गया पहले की तुलना इसमें, और बहुत ही फ़र्क है। तो जो ब्लैक पेज था वो भी हमने निकाला है तो उसको भी दिखा देते हैं कि कैसा प्रिंट आया। पहले का जो प्रिंट था वो
और दोबारा वो जो प्रिंट निकला वो भी दिखा देते हैं आपको कि कैसा प्रिंट निकला है। ये देख लो इसमें कितना फर्क है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक यू।